नमस्कार ट्विन सिटी टॉप खबर सह बारवाटी धौली एक्सप्रेस आरंभ करिबा खबर रो यात्रा किंतु आकु बढ़िबा पूर्वरु प्रथम देखनबा कोन रहिछि हेडलाइंस। शिशु भवन छकरे महिला बीजेपी कर्मी पुलिस मुहांमुही, नवीन निवास आड़क जावा बेले अटकैला पुलिस, महिला बीजेपी कर्मी और पुलिस धस्ताधस्ती। मंत्री दिव्यशंकर का इस्तीफा, सीबीआई तदंत दाबी रे चलीथिला शोभायात्रा। पुलिस रा नवीन निवास सुरक्षा चिंता, हठात पुलिस बंद कला नवीन निवास को संजोग करथुबा समस्त रास्ता हंतसंत हेले राजधानी बासिंदा। रोगी स्कूल रु फेरुथुबा शिशु खरारे कले दीर्घ समय अपेक्षा। महालिंग जोन केलेंकारी प्रसंगर उद्वेग प्रकाश कले एनसीपीसीआर, स्कूल रे चलीथिबा जोन केलेंकारी रो रिपोर्ट तलब। पोक्सो एक्ट रे तुरंत तदंत सह पांच दिन मध्य रिपोर्ट देवाक निर्देश। ममता मेहर मर्डर मामलें कांग्रेस संगीन आरोप, दिव्यशंकर विरोध में कार्यानुष्ठान हेले खोलीजी राज्य सरकार असल मुखा। अहेतुक अनुकंपा देखा डब्ल्यूओडीसी रु खर्च हो कोटि कोटि टंका। राजधानी में जरूरी रास्ता समस्या, दीर्घ दिन चलुवा रास्ता कम बिगुड़ ट्राफिक व्यवस्था, जंत्रणा भोगुंट स्मार्ट सिटी बासिंदा। राज्य में बुड़जा कि बस शिल्प, दयनीय स्थिति में चली घर बस सेवा, एवं 40% बस ग्यारेज और पार्किंग में खाऊ खत, चिंतार दिन काटुं बस मालिक। राजधानी में बीजेपी महिला मोर्चार गर्जन, सनसाइन स्कूल अध्यक्षा ममिता मेहर मर्डर मामलें राजधानी में गर्जी बीजेपी महिला मोर्चा। बीजेपी महिला मोर्चार विशाल कोकई शोभायात्रा, कोकई में राज्यर आईन श्रृंखला शोबार प्रतीकात्मक चित्र। कोकई सामने खई फिंगिले बीजेपी महिला मोर्चा कर्मी, राम मंदिर छक शोभायात्रा बाहरी नवीन निवास पर्यंत जाता, शिशु भवन छक किंतु पुलिस अटकईदेला। सेठे पुलिस बीजेपी महिला मोर्चा कर्मी धस्ताधस्ती होते नवीन निवास आगे प्रतिवाद बेले महिला बीजेपी कर्मी को उठाई नहीं पुलिस। ममिता मर्डर पछरे संपृक्त मंत्री दिव्यशंकर मिश्र गिरफ और बहिष्कार दावी करिछि बीजेपी महिला मोर्चा। मुख्य अभियुक्त गोविंद साहू सह मंत्री दिव्यशंकर मधुचंद्रिका धरा पड़ा अभियोग हो, ममिता न्यायर लड़ई चली बीजेपी राज्य संपादिका लेखाश्री सामंत सिंघार। मंत्री दिव्यशंकर को बहिष्कार करने सह घटनार सीबीआई तदंत दावी हो। ये ममिता मेहर पाई न्यायर लड़ई, ओडिशार सब महिला आज एकाठी होती ममिता को न्याय देवे। ये नवीन पटनायक सरकार जो कलंकित कारबार, मंत्री स्थान रे रहीकि क्षमताशाली लोक माने कुनी कुनी झियंकर शोषण करचंती, ये ग्रहणीय नुहे। या को देखिक भी नवीन बाबू किसी न जानला भलिया अंधमुख बधिर सरकार पलटी, ता विरुद्ध आज आम लड़ई तुरंत दिव्यशंकर मिश्र को गिरफ्त करा जाओ, मंत्रिमंडल बहिष्कार करा जाओ एवं ये घटनार सीबीआई तदंत हो, ताले सब सत कथा बाहर को बाहर। बड़ा प्रश्न मन में आसुच्छे, जड़े नवागता विधायक भाव जीति गोटे लोक जी 2019 जीति गृह विभाग भली गोटे गुरुत्वपूर्ण विभाग रे कहीं मंत्री पद रे दिया गला, एवं 2019 मस रे बीके पांडियान से जिला को जाते से जगह को जाते कौटी ये महालिंग संपर्क सहित संपृक्ति ना, तो तेना ये समस्त प्रश्न आम समस्त मन ओडावासी मन में अच्छी जिते बड़े आम सब प्रश्न उत्तर न पाथ्वा आज राजस्ता को ओल्लु मुख्यमंत्री आ पर हुए तो आशा करद भांग मुख्यमंत्री कौन से पदक्षेप ने जदि राज्य सरकार एपर्तंत शोक रही कौन सीता नौ ना पदक्षेप लज्जाजनक पिस्थित आपड़ विभिन्न कथ कहतु परी कथ कहतु आज देखु ममिता कथ आम के दिन रही चुप से विक्षोभ आरंभ हो सारी यहाँ जपर्यंत मंत्री आरेस्ट न होती या सीबीआई तदंत न होती से पर्यटन विक्षोभ चालू रहा ये सब केवल दिव्यशंकर मिश्र को खुशी करने
नवीन बाबू खुशी करने निरीह महिला आक्रमण होखु आम तो आंदोलन करने को आम उपर एम आक्रमण कले कौन हम सियाड़े गोविंद साहू खसीगला सियाड़े दिव्यशंकर मिश्र मास्टर माइंड से खोले आम बुलूं सरकार मानसिकता ठीक ना ये प्रशासन शक्ति क्षमतार अपव्यवहार होपव्यवहार होम चल दुर्नीतिग्रस्त महिला जुलम शोषण नमिता हत्या ये सब हो भुवनेश्वर बीजेपी विक्षोभ बेले 300 जन को अटक रखाई से नवीन निवास को जवाक चेष्टा करुवा बेले शिशु भवन छक पुलिस सहित बीजेपी कर्मी धस्ताधस्ती होता ब्यारिकेड भांगा चेष्टा करुले आंदोलनकारी आवश्यक न्यायिक कार्यानुष्ठान ग्रहण करुवनेश्वर डीसीपी आज पॉलिटिकल पार्टी तरफ एक शोभायात्रा मुख्यमंत्री निवास आड़क पुलिस व्यवस्था कराई यही शशी भवन ने अटका होकर से पुलिस सहित धस्ताधस्ती होती बारिकेड भांगा चेष्टा कराद्वारा पखापाखि 300 जन महिला पुरुष मिसेक अटक रखाई आवश्यक न्यायिक कार्यानुष्ठान ग्रहण करा पुलिस नवीन निवास सुरक्षा चिंता जो हंतसंत हेले राजधानी बासिंदा अतर्कित भाव में पुलिस बंद करदेला नवीन निवास को संजोग कर सबु रास्ता अटक रहा एकाधिक गाड़ी रोगी स्कूल फिर शिशु खरारे अध घंटू अधिक समय अटक रहा पुलिस सह जुक्तितर्क होता पूर्व कि न जनाई कहीं लोक अटक जा प्रश्न करते साधारण लोके शेषे लोक छाड़ा बाध्य पुलिस पिला जदि पुलिस वाला पिला ही था बंद करते ना सारे पिला बोली छाड़ दिंतु आम कि हईराण हो थर चिंता कले आम साधारण लोक कि हईराण होती पुलिस वाला पिला कही था ना जाओ ये मुझे टिके पूर्व सरकारी गाड़ी चलाऊ मत कह तुम जाओ बोली सो अलग बेले छाड़ते कि आमको कहीं पर्सनाल कम छाड़ ना आम घर को छाड़ ना तो जापरू आम तो ये अच्छे आम आसलु मना कले कले ना ये जाओनी अधा छुआ को धरिक ठिया होबू ना स्कूल आुआ को ठिया होबू ना पब्लिक किसी फैसिलिट ना कहना बुझीपाले मैंने जहाँ बड़ बड़िया करें चलु अध घंटा होगा कि जाना आम किसी जी जाना एपट सेपट मेन गेट रे गला मना कले सेकेंड गेट रे मना कले भी मना कर दूसरी ममिता मेहर हत्या मामलें ट्विट कर मंत्री दिव्यशंकर मिश्र को टार्गेट कले विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक भालिंग कलेज हो गृह राष्ट्रमंत्री जीवन आउ गोविंद साहू तार विंधाणी 10 वर्ष धरी कॉलेज रे अनैतिक कार्य चलुला छात्र मानंकर शारीरिक शोषण होता गृहराष्ट्रमंत्री तांका जीवन होता कॉलेज को बराबर जाऊले रात्रि जापन करुले किंतु कॉलेज रे कौन सब चलुला मंत्री किपर जापार बोली प्रश्न कर प्रदीप्त नायक जड़े गृहमंत्री गोटे स्थान को बारंबार जाऊले किंतु से जगार केलेंकारी संपर्क में पुलिस इंटेलीजेन्स एजेन्सी पाखे किपर खबर नाला ममिता मेहर मर्डर मामलार मुख्य अभियुक्त गोविंद साहू को सुरक्षा पछरे गृहराष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र अच्छा पूरा सरकार एभली संगीन अभियोग कांग्रेस दल कही जदि दिव्यशंकर विरोध में कार्यानुष्ठान हुए तेरे राज्य सरकार असल मुखा खोली कलाहांडी जिले में 5000 अधिक स्कूल विपद संकुल अवस्था थी बेले महालिंग कलेज को अहेतुक अनुकंपा देखा डब्ल्यूओडीसी कोटि कोटि टंका खर्च हो जो संस्था विरोध में जौन केलेंकारी भली संगीन अभियोग रही से संस्था को किभली पानी भली सरकारी पांठि खर्च होता से नहीं प्रश्न करी कांग्रेस ब्लैकलिस्ट होगा भली एक संस्था को रिकमेंडेशन पाई क्यों विभाग को केते थर चिठी लिखिंट ता खुलासा करा जाऊ बोली कांग्रेस दावी करी कहीं नवीन बाबू दिव्यशंकर कार्यानुष्ठान नहीं पारना तार कारण होची जे जदि दिव्यशंकर कार्यानुष्ठान ने एंटार विजु जनता दल और प्रशासन प्रशासनिक अधिकारी आरंभ करी ये नेता मंत्री संपृक्ति पूरा जल जल हो देखा जीवो प्रदेश कांग्रेस एतिकी आमे आउ थरे आपन को स्पष्ट कर दौचु जे कलाहांडी जिले रे विधानसभा रे स्कूल
आउ गणशिक्षा विभाग उत्तर कहुची जे कलाहांडी जिल्लारे पाखापाखी 5000 स्कूल अत्यंत विपद संकुल अवस्था अच्छी, छात नाही, छात फाटी जाई जी विपद संकुल अवस्था अच्छी, जो जगार कि सरकारी स्कूल गुड़िक पिला माने अत्यंत विपद संकुल अवस्था रे पाठ पढ़ुचंती। जदि एभली स्थिति रे सरकारी स्कूल रही कौ बुद्धिमतारे कौ आदर्श संहिता को आधार करी पंचायत राज डिपार्टमेंट WDC MP लार्ड MLA लार्ड कोटि कोटि टंका एक घर अनुष्ठान को दिया जाए आउ से अनुष्ठान काम विरुद्ध जो आसुच अभियोग या आउरी मर्मंतुद जड़े अभिभावक कहते झील को ट्रैक्टर चल मरागला दुई दुईटा झील निखोज अच्छा ये सबु परे कोटि कोटि टंका दिया जाउछि या पछरे सरकार को संपृक्ति स्पष्ट। ममिता मेहर हत्याकांड घटना रे आसंता 26 तारीख रे कटक पुलिस डीजी ऑफिस घेराव करिवो युवक कांग्रेस। घटना रे गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्रंकर संपृक्ति अछि किंतु मुख्यमंत्री तांको बरखास्त कलेनि। पुलिस प्रशासन सरकार का हाथ बारिश साजिश युव कांग्रेस सभापति अभियोग करते तेज छोट किराणी को निलंबन करा हेले नवीन सरकार दिव्यशंकर को कहीं निलंबन करूना पुलिस डीजी कहीं मंत्री को जेरा करूना से प्रश्न कर पुलिस प्रशासन मुख्य अभियुक्त को गिरफ्त कर गोविंद साहू गिरफ हो गिरफ हाँपर हाजत रु पुलिस कस्टडी रु फेरार होउची से समय रे बिजुली बत्ती गायब होउची पुलिस कस्टडी भितर गोविंद साहू फेरार होउची परे आखु बिलर ताकु धरा जाउची। आपण माने एथरो अनुभव करि पारुथिबे बिजुली बत्ती गायब होउची विद्युत शक्ति मंत्री पुलिस प्रशासन तदंत करुची पुलिस हाजत रु मुख्य अभियुक्त फेरार होउची परे आखु बिलर ताकु धरा जाउची एवं एटा भी स्पष्ट हो सारी जे राज्यर गृह राष्ट्रमंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र एवं मुख्य अभियुक्त तांको भितर की संपर्क अच्छे घटना घटवार एत दिन भेटिगला समस्ते एथिरे मीडिया बंधु मानंकर उद्वेग प्रकाश पाई समग्र मानव जाति एवं राज्य दलगत निर्विशेष समस्ते जिते निंदा भी करिसेंति ता कम होपरम स्वच्छ शासन डिंडीमा पिटुवा नवीन बाबू ए पर्यंत निजर दल जो मंत्री निज विभाग गृह राष्ट्रमंत्री विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर पारे बरखास्त कर पारे। बरवाटी धौली एक्सप्रेस खबर यात्रा आगे भी जारी रही है कि समय गोटे छोट ब्रेक र गिरफ हेले निलंबित कनस्टेबल प्रसन्न बेहरा। कोविड गाइडलाइन उल्लंघन करिबा, बेआईन भावे बार खोलिबा, अपराधिक षड्यंत्र करिबा अभियोगे प्रसन्न गिरफ होती। सेपटे साउथ सिटी होटेल मालिक प्रद्युम्न जेना एवं बार मैनेजर मध्य गिरफ होती। प्रसन्न बेहरा विरोध में दफा 120 बी 269 270 52 अबकारी आक्ट 3596 OPTC आक्टे मामला रुजू कर तवांडो पुलिस। गत कालीठ अनिर्दिष्ट समय पर प्रसन्न को निलंबन कर कमिशनरेट पुलिस। गत काल होटेल साउथ सिटी रे रेड कर पुलिस, रेड बेले विपुल मद जबत कर पुलिस। गिरफ्त तीन जन को कोर्ट चलाण कर पुलिस। होटेल नीलचक्र अशोका बिक्री षड्यंत्र अभियोग 15 कोटी टंकार बिक्री बड़ धरणर होता योजना एथपाई 3 कोटी टंका डील होता। ए मामलें अनिकेश को गिरफ्त कर EOW। अनिकेश निजक ITDC वरिष्ठ अधिकारी परिचय देता। चंदन आकाश महांती निजक वरिष्ठ अधिकारी और पर्यटन सचिव स्वीकृति देते। पूरी व्यवसायी तपन महांती को बिक्री करने को योजना होता। एथपाई तपन महांती
20 लाख टंका डिपोजिट करथिले 30 लाख कैश देथिले परे ठकैर शिकार होइथवा जानिबाकु पाइथिले। राजधानी रे सरुनी रास्ता काम सौंदर्यकरण आ प्रशस्तीकरण नारे सबुदिन चली काम फलर अनेक असुविधार सम्मुखीन होती साधारण लोके दीर्घ दिन धरी रास्ता काम चलुवर ट्राफिक समस्या मध्य देखा मिलू फल लोक मैंने जायास करने हैरान होता अभियोग आसी। राजधानी रे सरुनी रास्ता समस्या रास्ता काम जो बिगुड़ी ट्राफिक व्यवस्था जंत्रणा भोगी चलुंट स्मार्ट सिटी बासिंदा सौंदर्यकरण और प्रशस्तीकरण नारे राजधानी राजपथरे दैनिक काम चलुची तेरे दीर्घ वर्ष धरी रास्ता काम होता बेले शेष होवार ना धरुनी केते बेले बिजुली खुंट पोतिबा को केते बेले फूल खुंट रखा को तो आउ केते बेले रास्ता तले केबुल बिछेबा को वर्षक बार मास जनपथरे एभली काम चलुवा बेले बढ़िवारे लगी रास्ता समस्या फल जनपथर विभिन्न छक मानक देखा मिलू असंभव ट्राफिक समस्या सात मस खेल तो आपर आर लकडाउन पूर्व ही पड़ी बर्षे पर रास्ता दुकान फैन सब खोलू आगे बंद भी करपटे डस फस उड़ू रास्ता पूरा जाम हो गाड़ी फटे आसे बर्षा दिने राजधानी राजपथर यह रास्तार अवस्था न कहवा भल रास्ता काम जो जगह जगार खाल सृष्टि होता बेले अनेक समय दुर्घटना घटुवा देखा मिली विशेषकर संध्या समय जनपथे असंभव ट्राफिक भिड़ पर जावासिया बहुत असुविधा होची रास्ता काम शीघ्र सरुनी आउ रास्ता प्राय तीन मास चार सब एम पड़ी हो शीघ्र सारूना पागरा भी रोड पागरा भी भितर पशी रास्ता फास्ता खोली दौर बहुत जावासिया असुविधा हो स्मार्ट सिटी स्वप्न भितर राजधानीवासी पाँच स्मार्ट जंत्रणा केबे सरीबो राजधानी ए रास्ता समस्या केबे वास्तवतार रूप नेबो जनपथ रोड देखा ताहा बाकी रहिला। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन टुना मंडल चिन्मय साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज। राज्य में बुड़ीजी कि बस शिल्प वर्तमान दयनीय स्थिति में चली घर बस जहाँ को नहीं चिंतार बस मालिक आ कर्मचारी राज्य में 60% बस अनेक असुविधा दे चलुवा बेले 40% बस एवं ग्यारेज आउ पार्किंग रे खत खाऊ दीर्घ देढ़ वर्षर कोरोना महामारी पर आर्थिक मेरुदंड भांगी पड़ता बेले सरकार पाखे कर दाबी एपर्तंत पूरण हो पारि ना जेपटे आसंता 26 तारीख में राज्य घर बस मालिक संघ बैठक कर परवर्त पदक्षेप घोषणा कर बुड़ी जीव कि बस शिल्प दयनीय स्थिति रे एबे चली घर बस चिंतार बस मालिक दृश्य होची पार्किंग और ग्यारेज बस गुड़िकर गत देढ़ वर्षर नाही नथिबा अवस्था रे किछि बस गड़ुथिबा बेले आउ किछि बस रही रही खत खाइबा को बसिलानी किछि नुआ बस किणा होई परमिट पाई मध्य न गड़ी पार्किंग रे पड़ी रही वर्तमान समुदाय 14,000 घर बस रु एबे नाही नथिबा अवस्था रे चली 60% बस बाकी 40% बस चलिबो ना नाही से नहीं घारिलानी चिंता दीर्घ देढ़ वर्षरु एही व्यवसाय उपरे कोरोनार जोरदार प्रभाव पड़ी केमिति दियाजिबो ईएमआई केमिति दियाजिबो कर्मचारी को दरमा केमिति भराजिबो टैक्स ताकु नै चिंता रे एबे घरै बस मालिक सबडे रोजगार हरैबा चिंता रे रहिछंती बस कर्मचारी केमिति आमे टैक्स दबु गाड़ी बचेबु केमिति प्लस आपणकर चलो कमी किस्ती बैंक को देहनी स्टाफ मानक दरमा पत्र देहनी इन्सुरांस लक्षे टाँह वर्ष को मसक टैक्स हो 13,000 टाँह 12,000 टाँह टैक्स बालेश्वर बारिपदा रूट भितर तेणु गाड़ी बैंक पैसा देहनी बैंक आपंकर एनपीए लोन है से भी गाड़ी चल ना कहीं एस टी आर पुणी तदारख कौन करें बचू कमी स्टाफ मानक नहीं स्टाफ मान पैसा देहनी सरकार जदि गोटे निर्दिष्ट नीति न करते आम चाहूनु डीजेल रेटा बढ़ू आम कौ भड़ा कमु डीजेल रेटा कमु जात्री माने जात्री जीवे भड़ार जो अवस्था है ये जात्री जापरेंगे मैक्सीम लोक देखुं बर्तमान सब मोटरसाइकिल फोटरसाइकिल सब गाँग काम पड़े आ बस बस कहीं आसूना बर मोटरसाइकिल चिप हो सरकार को जो सेंट्रल टाइम लागू हो गला सब जगह तीन मिनिट चार मिनिट सब जगह आमको टाइमिंग मिललानी आम बर्तमान तेल दर हो 104 टाँग डीजेल गाड़ी तेल पैसा आम इनकम कर
ଆଉ ପଇସା କ'ଣ ଦରମା ନେବା, ଆମେ ପରିବାର କ'ଣ ପୋଷିବା, ଆମେ ବାବୁଙ୍କୁ ବି କିଛି କହିପାରୁନେ। ଗାଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପମ୍ପଚର୍ ଯଦି ହେଇଗଲା, ଆମେ ପମ୍ପଚର୍ ମାରିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ମାସରେ କମସେ କମ 20 ଦିନ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ଯେଉଁ 10 ଦିନ ଚାଲୁଛି ସେ 10 ଦିନରେ ଆମେ ତେଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରୁନେ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା କରିଦେଲେ ଆଜି। ସେପଟେ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସହାୟତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲା ସଂଘ। ଟିକସ ଛାଡ଼ କରିବା ସହ ମରାମତି ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶିକୁ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୁଝିବାକୁ ମାଲିକମାନେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ଏନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ଉପରେ ହୋଇଗଲାଣି, ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତା ଦେହରେ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ସେତେବେଳେ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଡିସାଇଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଲେନି। 60 ବାଗ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, 40 ବାଗ ଗାଡ଼ି ଉଠୁନି, ଟାୟାର ନାହିଁ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ନାହିଁ, ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯଦି ତୁମେ ସେ ଟଙ୍କା ନଦେବ, ତାହେଲେ 60 ବାଗ ଗାଡ଼ି ବି ଏଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା 15 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ପାଖ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଡିଜେଲ ଯଦି କମ୍ ଅଛି ବେଙ୍ଗଲର, ଆମେ କାହିଁ ଅଧିକା ଦେବୁ? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଯଦି ଡିଜେଲ କମ୍ ଅଛି, ଆମେ କାହିଁ ଅଧିକା ଦେବୁ? ଆମର ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ା ନ ବଢ଼ୁ, ଭଡ଼ା କମେଇ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଭଡ଼ା କମିକି ଡିଜେଲ ରେଟ୍ କମ୍ ହୋଇଯାଉ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଥିବା 60% ବସ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ବସ୍ ମାଲିକ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲ ଓ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। 2022 ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଦଳ, ସେଥିପାଇଁ 6ଟି ସହରକୁ ପୂର୍ବରୁ ମୋହର ମାରିଥିଲା ବିସିସିଆଇ। ଏହି ଆଇପିଏଲ୍ ଦଳର ମାଲିକାନା ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ନାମୀ ଦାମୀ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍। ତେବେ ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗରେ ଥିବାବେଳେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ନୂଆ ଟିମ୍ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍। ନିଲାମଧାରୀ କମ୍ପାନୀକୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିଛି ଓସିଏ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଇପିଏଲ୍ ପାଇଛି ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳୁଥିବା ଟିମ୍ର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନେଇଥିବା କମ୍ପାନୀମାନେ। ସାରା ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଇପିଏଲ୍। ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦେଖି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 2ଟି ନୂଆ ଦଳ। ନୂଆ ଦଳର ବିଡିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ ନିଲାମ ଡାକିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେହିଦିନ ଖୋଲିବ ଟେଣ୍ଡର। ଟେଣ୍ଡର ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଜିନ୍ଦଲ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ନୂଆ ଟିମ୍ ଓ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଓସିଏ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିବା ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରହିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପିଚ୍ ସହିତ ଭିଭିଆଇପି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ବାରବାଟୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା। ଓସିଏ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯିବ ସହଯୋଗର ସୁବିଧା। ଗୋଟେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ଚାହିଁଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ କଟକକୁ 2ଟା ବି ସିଏ ତାର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିପାରେ, ଏବଂ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସରେ ଯିଏ ହାଇଏଷ୍ଟ ବିଡର ହେବ ସେଇ ହାଇଏଷ୍ଟ ବିଡର ସେଇ କମ୍ପାନୀ ହିଁ ଚୁଜ୍ କରିବ ଯେ ସିଏ କାହାକୁ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବ, ତ ସେ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ବିଡ଼ିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଜି ବିଡ଼ିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଆସିଛି, ଏବଂ ଯିଏ ବି ବିଡର ବିଡ଼ିଂ ଯଦି କଟକକୁ କରେ ଆମେ ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଦେବୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କମର୍ସିଆଲି ହେଉ କମର୍ସିଆଲି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେବୁ ଯେ ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ। ବାରବାଟୀରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଏକଥା ନୂଆ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ବରିଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟ୍ ତାରକା, ଅମ୍ପାୟାର ତଥା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ। ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିବ ବାରବାଟୀରେ ଆଇପିଏଲ୍। ତେବେ ଓସିଏ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରିକେଟ୍ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ
ବହୁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର ପବନ ଅଗ୍ରୱାଲ। ନୂଆ ଟିମ୍ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆଡିସନାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭାବରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯଦି ବିବେଚିତ ହୁଏ ତେବେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ମିଳିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଓନର ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି କି ଦୁଇଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ ଅପସନ୍ସ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଆଡିସନାଲ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କର କେକେଆର ମଧ୍ୟ ବନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ କୋଲକାତା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ଇଭେନ୍ କଟକକୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭଳି ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଭଳିଆ ବି ଯଦି ସିଚୁଏସନ୍ସ ହୁଏ ତାହେଲେ ବି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ, ଆମର ଏଇଠି ମ୍ୟାଚେସ୍ ଗୁଡ଼ା ହେବ, ଆମ ଯୋଉ ଖେଳ ପ୍ରେମୀ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଇଭେନ୍ ଆମ ପ୍ଲେୟର ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆମ କ୍ୱାଲିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେବ। ତେବେ ନୂଆ ମାଲିକ କି ହେବ ସେ ନେଇ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ବାରବାଟୀ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ସମୟ ହେଉଛି ବାରବାଟୀ ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଖବରର ଯାତ୍ରାକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।